मित्रों, आप सब लोगों को इस जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के संबंधित इस मीडिया सेंटर में कल उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद पहली पत्रकार सम्मेलन के मैं हृदय से आप सब लोगों को स्वागत करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं, इस लगभग एक महीने तक चलने वाले इस मीडिया सेंटर का एक्टिविटी में आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूं और आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहता हूं। मित्रों, मैं आज का इस पत्रकार का सम्मेलन का प्रारंभ करने से पहले एक प्रमुख कवि का शायर से मैं शुरू करना चाहता हूँ। वो कवि ने बहुत अच्छा कहा है, लोगों के उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने के लिए, मगर उनको शर्म नहीं आती है उस बस्तियों को जलाने में। ये जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव समय पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का वोट बैंक पॉलिटिक्स इसके ही शहर का संबंधित बताते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने वाली आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर जनता को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नेतृत्व में लिखित भारत के संविधान को पूरा लागू करने वाला जम्मू कश्मीर जनता को भारत से दूर करने वाली, भारत के मेनस्ट्रीम जोड़ने वाली ऐतिहासिक हिस्टोरिक निर्णय था, जो फिर उस आर्टिकल 370 को नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस पार्टी एक काला गठबंधन फिर इस काला कानून को वापस लाने के लिए देश को फिर नॉट ओनली जम्मू कश्मीर सारी देश को आतंकवाद को अलगाववाद को बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, जेल के अंदर जितने भी टेररिस्ट के संबंधित लोग जेल के अंदर है उनसे बातचीत करेंगे, पाकिस्तान से एलओसी ट्रेड शुरुआत करेंगे, ये सब पूरा भारत में फिर अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए, भारत को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ इस पे हमारे को मालूम पड़ता है। इसीलिए जो इस काला कानून जो आर्टिकल 370 ये बेमानी कानून था, गरीबों के खिलाफ का कानून था, एससी एसटी का अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था, महिलाओं को बालक को बालिकाओं को अधिकारों को छीनने का अधिकार कानून था। आज 2019 में इस जिन्ना कानून जो आर्टिकल 370 है वो जिन्ना कानून था, इस जिन्ना कानून को हटाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार अगस्त 5, 2019 में जो हिस्टोरिकल बदलाव देश में इस जम्मू कश्मीर के संबंधित आर्टिकल 370 हटाकर जो निर्णय किया है